70 से 80 के दशक में वर्ल्ड क्रिकेट की हर टीम जिससे खौफ खाती थी वो थी वेस्ट इंडीज की टीम। एक वक्त वेस्ट इंडीज को उनके घर में हराना किसी सपने जैसा हुआ करता था। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि साल 1948 से 2002 के बीच टीम इंडिया भी वेस्ट इंडीज की धरती पर सिर्फ एक ही टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हो पाई थी। ये टेस्ट साल 1971 में वेस्ट इंडीज में जाकर खेला गया था और वहां पर भारत ने मेजबान टीम को हराया था, तो माहौल बिल्कुल ऐसा था जैसे टीम ने वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। मैदान के हर कोने में टीम ने जश्न मनाया था। ऐसा नजारा भारतीय क्रिकेट में भी शायद ही कभी देखने को मिला था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिस टीम को हराना एक समय सबसे बड़ी चुनौती थी, उसका पतन आज देखने को मिल रहा है। दरअसल वर्ल्ड कप 2023 के क्वालिफायर मैच खेले जा रहे हैं जो ये तय करेंगे कि 8 टीमों के अलावा वो कौन सी दो टीमें होंगी जो वर्ल्ड कप 2023 में जगह बनाएंगी। लेकिन वेस्टइंडीज को इसमें सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ये करेबियाई टीम इस साल विश्व कप नहीं खेल पाएगी। जी हाँ, सही सुना आपने, वेस्टइंडीज की टीम को आप वर्ल्ड कप 2023 खेलते हुए नहीं देख पाएंगे। पहले जिम्बाब्वे, फिर नीदरलैंड और अब स्कॉटलैंड ने सबसे बड़े उलटफेर करते हुए वेस्टइंडीज को बाहर कर दिया। क्वालिफायर में शनिवार को वेस्टइंडीज का मुकाबला स्कॉटलैंड से हुआ। ये वेस्टइंडीज के लिए करो या मरो का मैच था और वेस्टइंडीज का सपना इस मैच के बाद टूट गया। स्कॉटलैंड ने इस मुकाबले को 7 विकेट से अपने नाम किया। ये पहली बार है जब बिना वेस्टइंडीज के वर्ल्ड कप खेला जाएगा। लेकिन आखिर वेस्टइंडीज के क्रिकेट में इतना बुरा दौर आया कैसे, उसका जिम्मेदार कौन है? इस वक्त काफी सवाल हर क्रिकेट फैन के दिल में चल रहे होंगे। दो बार की वनडे वर्ल्ड कप विजेता टीम रही वेस्टइंडीज इस बार किसी को नजर तक नहीं आएगी। 50 साल पहले वेस्टइंडीज का जो डर हर टीम के मन में था, वो कहीं ना कहीं गायब होता जा रहा है। बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक हर डिपार्टमेंट में वेस्टइंडीज की टीम फेल होती हुई नजर आ रही है। साल 2016 के बाद से तो टीम के प्रदर्शन ने सभी को निराश किया है। वेस्टइंडीज टीम के खिलाड़ियों और क्रिकेट बोर्ड के बीच तनातनी की खबरें भी अक्सर आती रहती हैं। इसके अलावा खिलाड़ियों के वेतन में कटौती की बातें भी आम होती जा रही हैं। तो क्या इसी कारण से वेस्टइंडीज की टीम अर्श से फर्श पर पहुंच गई है? आपको बता दें कि कुछ समय पहले वेस्टइंडीज के क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के लिए घरेलू क्रिकेट खेलना जरूरी कर दिया था। बोर्ड का कहना था कि जो खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट नहीं खेलेगा उसका टीम में चयन नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ टीम के सीनियर खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते हैं, जिस वजह से टीम के कमजोर होने की कहानी और गहरी हो जाती है। वर्ल्ड कप 2023 से बाहर होने के बाद वेस्टइंडीज ने अपने लिए और बाकी सभी क्रिकेट फैंस के लिए भी कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वेस्टइंडीज की टीम फिर से क्रिकेट में वापसी कर पाएगी? क्या वेस्टइंडीज के खिलाड़ी एक बार फिर से उसी पुराने दौर को वापस लाने में कामयाब हो पाएंगे, या फिर वेस्टइंडीज के क्रिकेट का अंत अब शुरू हो गया है? आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते रहिए न्यूज़ नेशन।